हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 भर्ती आ गई है और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। अब कोई भी भर्ती आती है तो देखिए उत्सुकता होती है कैंडिडेट्स को कि सिलेबस क्या होगा, पीटी पीएसटी क्या होगा, भर्ती का प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस के लिए हमने आपको वीडियो बनाया है। पहले क्या होगा, आपका पीटी पीएसटी होगा, पहले पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट की तैयारी आपको अभी से ही रखनी होगी। ट्रेट टेस्ट की तैयारी के लिए ही हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। हमारे काफी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर मैथ, रीजनिंग, जीके, इसका भी क्लासेस मिलेगा क्या? मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, ये सब देखिए आपको चैनल पर पढ़ा रहे हैं हम चैनल पर, और रिकॉर्डेड वीडियोज ऑलरेडी हैं पहले। पीटी पीएसटी क्या होगा, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है, ये 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर है जो कि 8.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। ये होने के बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट। जिस ट्रेड का भी आपने आवेदन किया, आपने स्वीपर ट्रेड का आवेदन किया, आपको स्वीपर का काम पूछा जाएगा, आपको स्वीपर के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको स्वीपर का काम करवाया जाएगा। क्या करवाया जाए क्या नहीं करवाया जाए वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या करवाया जा सकता है ये हमने आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन में स्वीपर का ट्रेड कोर्स हमने लोड किया है वहां बता दिया है। या बार्बर में क्या करवाया जाए, बार्बर में हो सकता है सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पूछ के ही छोड़ दे, या बार्बर में आपको कहे कि मेरा कटिंग बनाओ, मेरा हेड मसाज कर, या वहां पर एक कैंडिडेट को साथ में बिठाया, आपके ही अंदर से एक कैंडिडेट को लिया और कहा कि इसको इसका हेड मसाज कर दो, इसका शेव बना दो, और कट गया तो फिर देख लेना। तो आपको काम आना चाहिए। देखिए ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो गए उसके साथ, अब ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं होता है, अभी से तैयारी रखेंगे तो ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा। ट्रेड की लेकिन तैयारी आपको करनी होगी, ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं करी आपके लिए परेशानी हो जाएगी। अब सिलेबस क्या है, कोई भी एग्जाम होता है तो हमारे जो साथी हैं वो सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस जो है वो आपका नोटिफिकेशन में दिया है, ये 25-25 पार्ट का, और बस इससे ऊपर नहीं निकलेगा। कि रीजनिंग 25 है तो 25 ही होगा, मैथ 25 है 25 होगा, जीके 25, और इंग्लिश या हिंदी में से एक आपको ऑप्ट करना होगा। वह आपके ओएमआर शीट पर पहले से ही ऑप्शन होगा, उसमें आपको कौन सा ऑप्ट करना है वो आपको तय करना है कि हिंदी ऑप्ट करना है या इंग्लिश ऑप्ट करना है, उसकी भी अभी से तैयारी शुरू कर दी। अब हमारे जब भी कोई भर्ती निकलती है तो हमारे काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो कहते हैं कि प्रीवियस पेपर्स, ये पुराना पेपर चाहिए। अब देखिए एसएसबी ट्रेड्समैन का पुराना पेपर जो है वो हमने लोड किया हुआ है, एसएसबी ड्राइवर का भी लोड किया हुआ है, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहे हैं। लेकिन बीएसएफ जो है वो एक ऐसा कोर्स है वो आपको पेपर नहीं देती है, पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है। पेपर आपको एग्जाम होने के बाद ओएमआर शीट के बाद साथ ही पेपर वापस जमा कर लिया जाता है, पेपर जमा कर लिया जाता है। क्यों जमा कर लिया जाता है, बीएसएफ कहती है कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो बाहर नहीं निकले, कुछ इस तरीके का लॉजिक वो देते हैं इसके पीछे। कभी कभी दिया भी है, लेकिन ट्रेड्समैन में देखिए हमने नहीं देखा कि कभी पेपर दिया। हाँ, दूसरी भर्तियों में दिया है, जैसे कहार की भर्ती में दिया, पैरामेडिकल स्टाफ में दिया एक बार, फिर एक बार नहीं दिया। तो पेपर पिछला भर्ती जो 2019 की जो हुई थी उसमें पेपर नहीं दिया था। अब 2019 उससे पहले कब हुई थी, उससे पहले 2018 में भी हुई थी, 2017 में वैकेंसी आई थी, उसका रिजल्ट जो है वो 2018 में आया था। तो 2018 उससे पहले जो 16 की जो वैकेंसी थी वो 16 की वैकेंसी जो थी वो कैंसिल हो गई, और उससे पहले 2015 में 14 में हर साल भर्ती आ रही थी, 13 में, 2012 में, ये 2011 सबसे पहले, 2010 में, 2008 में ये लागू हुआ था। उससे पहले ट्रेड्समैन जो थे वो 8th पास हुआ करते, 2008 का जो वेतन आयोग था उसमें ट्रेड्समैन को भी कांस्टेबल का रैंक दे दिया गया और इनके लिए भी 10th पास लागू कर दिया गया। लेकिन ये स्किल्ड है, ये स्किल्ड फोर्स है, ये तो इनका स्किल के आधार पर इनकी योग्यता है वो रख दी गई कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस या आईटीआई 2 ईयर या 1 ईयर आईटीआई,
या और प्लस वन ईयर एक्सपीरियंस। लेकिन आईटीआई किसमें? संबंधित ट्रेड में। इसके लिए बार बार बता रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई लोड करके कैंडिडेट्स जो हैं वो कुक का आवेदन कर रहे हैं, आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। आपको आवेदन आप कर रहे हैं तो कुक का आपके पास में टू इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लैटर पैड पर वर्क एक्सपीरियंस है किसी संस्था का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं से भी बनवाया है तो उनको ये बात आप जरूर कहें कि कल को मेरा इसका वेरिफिकेशन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है यदि पूरी तरीके से देखिए, अब आपने काम नहीं किया, कोई आपकी कंप्लेंट कर देता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब प्रीवियस पेपर तो नहीं मिलता है, पेपर नहीं मिलता है तो सिलेबस क्या है इसकी हम बात करेंगे। अब सिलेबस देखिए, हमारा जो 25 नंबर का जो रीजनिंग है, रीजनिंग में कौन सा रीजनिंग होगा? तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपका रीजनिंग होगा। और रीजनिंग में आपको बता दूं कि अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। सबसे पहले यदि हम बात करें तो वर्णमाला परीक्षण तो आपको पक्का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एम 13 है, जेड 26 है, डब्ल्यू 23 है। अब आपको इसके आधार पर जो है, जो 25 में से ये देखिए कि 10 क्वेश्चन जो है वो तो यही कवर कर लेता है। कोडिंग डिकोडिंग भी इसी के आधार पर है। रैंकिंग जो है वो रैंकिंग श्रेणी क्रम, रैंकिंग अलग है और सीरीज अलग है। अब लॉजिकल सीक्वेंस देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला आपने अच्छे से कर लिया क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसमें हमने देखा है कि कोड, सीरीज, रिश्ता, ये सब जो है इसमें ही सिमट गया। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला कोड के 5 क्वेश्चन कोड के आ गए, 5 सीरीज के आ गए। ज्यादा फोकस करने वाले जो, देखिए चैप्टर्स मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको सबसे पहला फोकस तो आपको अल्फाबेट जो है उस पर करना है। पूरा रट डालो उसको कि ए 1 है। अब ए 1 है तो एम क्या है? एम 13 भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है, तो ये 169 भी हो सकता है, ये 2197 भी हो सकता है। अब वो क्या एग्जाम बनाने वाला जो है, पेपर बनाने वाला क्या पेपर सेट करता है, उस पर डिपेंड करता है। कोडिंग डिकोडिंग आपको उसमें, कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के हैं वो सारे प्रकार के आपको अच्छे से कर डालना है। 5-7 क्वेश्चन जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग आएगा जरूर आपको। रैंकिंग में भी चांसेस है, फिर लॉजिकल सीक्वेंस। अब ये देखिए एनालॉजी, सादृश्य, पक्का क्वेश्चन आता है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि आए या ना आए, लेकिन आपको तैयार करना है। ओड मैन आउट भी आता है, 2 क्वेश्चन आ जाएं, 3 आ जाएं। अब 25 में से 5 कोड के आ गए, 2 इसके आ गए। ब्लड रिलेशन का जो है वो हमने देखा है कि क्वेश्चन जो है वो आता रहा। ब्लड रिलेशन, अब ब्लड रिलेशन में कितने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो आपको तैयार करने हैं चैप्टर, उनकी देखिए हम बात कर रहे हैं। क्लॉक भी तैयार करना है, कैलेंडर भी तैयार करना है, क्यूब डाइस भी तैयार करके जाना है, सीरीज, मैट्रिक्स, आरएक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने देखा है कि जरूर आता है। पजल टेस्ट जो है वो, पजल टेस्ट यदि आया और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 5 नंबर का भी आ सकता है। यानी कि 5 क्वेश्चन जो है वो इसी पर आधारित आ गए। अब पजल आ गया, आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया तो 5 में से 5, और यदि अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए तो 5 में से हो गया वहां पे 0। अब लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें देखिए सिलोजिज्म, न्याय निष्कर्ष, स्टेटमेंट्स और उसके आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इन पर भी आ सकता है। ये भी आपको तैयार करके जाना है। आपको ऐसा नहीं है कि इसमें अपन इसको छोड़ दें। एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी जो है वो देखिए हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी चांसेस बन सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आते, इसका यदि आता है तो 5 क्वेश्चन ही इसके आते हैं।
तो ये भी अपने को तैयार करना है। और फिर आया नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में देखिए अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये तो कंफर्म होता है। मिरर एंड वाटर, पेपर कटिंग फोल्डिंग, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, हिडन फिगर, ओड मैन आउट वाला इसमें भी आ जाता है, और सिलोजिज्म जो है वो इसमें भी आ। तो ये हमारा सिलेबस जो है हमने देखिए कुछ कवर करने की कोशिश की है उस आधार पर कि जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आते थे और पुराना जो पुराने स्टूडेंट्स के जो स्मृति के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके वीडियो भी हमने 2019 के एग्जाम के लगाए हुए हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा रहे हैं, वो भी आप देखिए। और अपनी तैयारी को देखिए अभी से जो है 200% तैयारी हमें करनी है। 50% तैयारी करेंगे तो हमें आधी वर्दी नहीं मिलेगी। 200% कितना मेरिट रहता है, मेरिट रहता है मैं बता देता हूं आपको। राजस्थान की मैं बात कर सकता हूं कि पिछली बार राजस्थान में कुक ट्रेड की यदि हम बात करें तो 84% कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन यदि हम बार्बर की बात करें तो बार्बर में जो था वो 65% सेलेक्ट, और कॉबलर में एक ही सीट थी, कॉबलर में एक सीट थी उसमें 74% कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया। वॉशरमैन में उसी का जो दोस्त था वो वॉशरमैन में 76% सेलेक्ट नहीं हुआ। तो हर ट्रेड का, हर स्टेट का, हर यूटी का ट्रेड वाइज कट ऑफ रहेगा। ट्रेड सेलेक्ट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुक है, वाटर कैरियर में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं, चाहे एसएसबी है तो उसमें भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि वाटर कैरियर जो है वो सिर्फ पानी पर उठने का काम करता है। किसका ट्रेड हार्ड होता है? सभी का ट्रेड हार्ड होता है यदि आपको काम नहीं आता तो, और ये सभी का ट्रेड इजी होता है यदि आपको काम आता है तो। अब ये जो है इसकी पढ़ाई देखिए इसकी आपकी जल्द ही ऑनलाइन क्लासेज जो है वो ये हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। ऑनलाइन क्लासेज आपके लेवल की, जिसको हमारे ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से समझ सकें, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ट्रेड में आप फैल ना हो, ट्रेड में डिस्क्वालीफाई ना हो, उसके लिए हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। उस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से देखकर, आप घर पर भी देखिए, आप कॉबलर से भी यदि आपने आवेदन किया है तो हमारे वीडियो देखकर आप कॉबलर की तैयारी अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि कॉबलर से आवेदन किया है तो एक बार कॉबलर के पास प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कॉबलर ऐसा वैकेंसी है कि एक वैकेंसी है कॉबलर की और वो भी वैकेंट चली जाती है क्योंकि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जूते को पकड़ना नहीं आता, सिलाई करना तो दूर की बात है। कुक ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि मीट मसाला दाल में डाला जा सकता है क्या, बता दीजिए मुझे, हाँ या ना का उत्तर दे दीजिए। आप भी कुक से आवेदन किए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको, घरेलू गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है क्वेश्चन पूछ लिया आप, भट्टी जो है वो आपको घुमाना नहीं आया, वहां पे आपको कहा कि दूध गर्म कर दो और भट्टी जो है वो आपको नहीं जलाना आया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस करके जाना है, वैसे भी आपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपने लगाया है तो फोर्स जो है वो अपेक्षा कर रही है कि आपको काम आता है, तभी तो आपने कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस बनाया। ट्रेड में डिस्क्वालीफाई नहीं होना, उसके बाद में ये पार्ट में हमने आपको बताया कि आपको रीजनिंग, दूसरे पार्ट में इसका मैथ्स में क्या कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, रीजनिंग सॉरी जीके, जीके में तो देखिए सब कुछ कवर करना है। जीके में तो 10th लेवल का जीके जो है, 10th लेवल की बुक्स जो है उससे अपनी तैयारी कीजिए। हिंदी में 10th लेवल का कोई भी ग्रामर जो है उसको कवर कीजिए तो अपनी तैयारी जो है वो देखिए। अभी कोविड की वजह से इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको पता है कि सभी अधर झूल में है, तो अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए, फॉर्म लगाइए, ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट रनिंग पूरा कंप्लीट अभी से। इस बार मुझे कि अगली दिवाली जो है वो बॉर्डर वाली मुझे चाहिए, उसके लिए हम भी पूरी तरीके से आपके साथ हैं और तैयारी में पूरा प्रयास अपना पूरा जो है पूरा ताकत जो है वो झोंक दीजिए। जय हिंद।